हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और परमानेंट और शानदार सैलरी वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास है तो इस वैकेंसी के लिए जल्दी से आवेदन कर दीजिए दोस्तों। 10th पास, 12th पास और ITI पास सभी के लिए इसमें वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। पोस्ट की बात करें तो दोस्तों पोस्ट भी आपके लिए 466 पोस्ट आई है, बम्पर भर्ती ये रहने वाले हैं दोस्तों। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसमें दोस्तों ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, टनर और अदर वैकेंसियां भी आई है। हम ज़्यादातर बात करेंगे जो 10th पास वैकेंसी है उनके बारे में। तो आप दोस्तों BRO ग्रुप की जो नई भर्ती आई है उसके बारे में लेटेस्ट जानकारियां हासिल करें और पूरी जानकारी नोट करने के बाद अप्लाई ज़रूर आप इस पोस्ट के अंतर्गत कीजिए, ताकि दोस्तों आपको भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सबसे पहले तो दोस्तों नोटिफिकेशन का आपको मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ। इसके अंतर्गत 5 जुलाई को ये रिलीज किया गया था, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपकी जो भर्तियाँ हैं वैकेंसी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, ये भर्तियाँ दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भेजी गई है। जैसे ही दोस्तों अप्रूव हो जाएगी आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी वैकेंसी कौन कौन सी रहने वाली हैं, कितनी कितनी रहने वाली हैं। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए 16 वैकेंसी आपके लिए रहने वाली हैं, सुपरवाइजर के लिए 2 वैकेंसी हैं, टर्नर के लिए 10 वैकेंसी हैं, मैकेनिस्ट के लिए 1 है। वहीं ड्राइवर की सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, 417 पोस्ट ड्राइवर की आपके लिए रहने वाले हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। वहीं ड्राइवर रोड रोलर के लिए 2 वैकेंसी आपके लिए रहने वाले हैं, ऑपरेटर इक्विटिंग के लिए 18 वैकेंसी रहने वाली हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 466 पोस्ट, जैसा कि मैंने बताया, वो आपकी रहने वाले हैं। अभी आपकी क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ कि पर पोस्ट वाइज क्या क्या रहने वाले हैं। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए ITI आपका पास होना चाहिए, सुपरवाइजर के लिए डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वहीं टनर के लिए ITI पास होना जरूरी है और मैकेनिस्ट के लिए भी ITI होना जरूरी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पोस्ट थी जिनकी हम बात कर रहे थे, 417 पोस्ट, उनके लिए सिर्फ आपका 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर रोड रोलर के लिए भी 10वीं पास आपका होना जरूरी है। इन पोस्ट के लिए आपका आवेदन, मैं दोस्तों जल्दी से बोल रहा हूँ कि इसमें आवेदन आप कर देना है। ऑपरेटर इक्विटिंग के लिए 10वीं पास आपका होना जरूरी है। इसके अंतर्गत आपकी दौड़ भी होगी और आपका पेपर भी होगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट आपकी 18 साल से 27 साल होनी जरूरी है। इसके अलावा इसमें छूट भी दी जाएगी। छूट किस किस को दी जाएगी, तो OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट इसमें दी जाने वाली है। वहीं दोस्तों SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट इसमें मिलने वाली है, अदर कैंडिडेट को छूट इसमें नहीं दी जाएगी। जैसा कि मैं सैलरी की बात कर रहा था, तो आपको पे लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये आर्मी के अंतर्गत दोस्तों नौकरी रहने वाली है, तो आपको सब कुछ सुविधाएँ भी मिलने वाली हैं। ग्रीप के अंतर्गत दोस्तों आर्मी से भी बढ़िया सुविधाएँ इसमें आपको मिल जाती है। लेवल 2 का आपको वेतन दिया जाएगा, यानी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपको पेमेंट बाई हैंड पर मंथ दिया जाएगा, यानी अच्छी खासी सैलरी आपको दी जाएगी। बात कर लेते हैं आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन किस आधार पर रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा दोस्तों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ लास्ट में होने वाली है। एग्ज़ाम के अंतर्गत दोस्तों 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों सिलेबस के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। एग्ज़ाम के अंतर्गत अगर आप 10th पास हो, SSC MTS का पेपर निकाल सकते हो, तो उसका दोस्तों लेवल का ही आपका इसमें भी एग्ज़ाम रहने वालों का। बात कर लेते हैं BRO ग्रुप के अंतर्गत आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी ली जाएगी, तो इसमें हर बार सिर्फ 50 रुपये ही लिए जाते हैं। जनरल, OBC, EVS और एक्स सर्विसमैन से 50 रुपये लिए जाएंगे। वहीं SC ST PWBD कैंडिडेट से कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये पेमेंट भी आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना होगा। बात कर लेते हैं आपका दोस्तों रिक्रूटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 466 भर्ती हैं,
ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी दोस्तों जो हर शनिवार को रिलीज किया जाता है उनको ये नोटिफिकेशन भेजा गया है, तो अगले शनिवार तक ये आपका नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा। तो इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट जो बताई गई वह जुलाई 3rd week के अंतर्गत बताई जा रही है। तो अभी दोस्तों 2nd week चल रहा है, 3rd week नेक्स्ट वीक ही है, जिसने आपका अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म लिंक खुल जाएगा। जो लिंक खुलेगा brogrip.nic का, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। लास्ट डेट की बात करो तो दोस्तों आपको जुलाई 3rd week से लेकर अगस्त 1st week तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी और चाहिए हमारी इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। BRO स्कूल एंड सेंटर डीजी कैंप पुणे के अंतर्गत आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, यहीं आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में आपको भारत के हर क्षेत्र के अंतर्गत जहां भी दोस्तों BRO का काम चलता है वहां पे आपकी पोस्टिंग करवाई जाएगी। अगर आपकी दोस्तों पोस्टिंग जैसे लेह लद्दाख साइड आ जाती है तो आपका पेमेंट और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे अलाउंस भत्ता भी एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर। जय हिंद।